राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने राजधानी में फिर से कई नई पाबंदियां लगा दी हैं। ऐसे में डीटीसी बस हो या फिर क्लस्टर बस, सभी में यात्रियों की संख्या घटाकर 50% कर दी गई है। बता दें, डीटीसी बसों में पहले 40 यात्री बैठा करते थे, लेकिन अब 20 या 17 यात्री ही बस में एक साथ बैठकर सफर कर सकेंगे, जिसके चलते यात्रियों को बस स्टैंड पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मेरा नाम है तीशा। मैम, अब दोबारा से डीटीसी बसों में अनाउंस किया गया है कि अब 50% पैसेंजर ही बैठेंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर, कितनी असुविधा होगी? मैं डीटीसी बस में तो मुझे पता है कि 50% ही बैठते हैं और वही रूल फॉलो भी करते हैं, बट जहाँ तक सवाल है प्राइवेट बसों में कोई चेकिंग नहीं होती, कोई पुलिस वाले चेक नहीं करते, वहाँ फुल बस के मतलब पूरी बसें फुल हो जाती हैं। और प्राइवेट बसें हो गए, प्राइवेट टेम्पो हो गए, उनमें फुल सर्विस है। यात्रियों ने बताया कि इस पाबंदी से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। यात्रियों को घंटों घंटों बस का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते लोग अब काफी सजग हो गए हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, दिल्ली।